कि हमारे इसको बैठा ना, ये वही दरियावत विधायक भाई थावरचंद जी, उनके साथ मानसिक रूप से विकलांग लोगों के द्वारा हमारे दरियावत विधायक थावरचंद जी के साथ मानसिक रूप से विकलांग लोगों के द्वारा हाथापाई करना, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई करने का जो काम किया और प्रशासन मुख दर्शक बना रहा, उस दौरान घटनाक्रम जब हुआ, एक मानसिक विकलांग लोग एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और उस समय वहां का डिप्टी, वहां का थानेदार, वहां के पीट प्रभारी या पुलिस वाले मुख दर्शक बने रहते हैं और किसी भी मानसिक रूप से विकलांग आदमी को कुछ भी कहने नहीं करते हैं। देखते हैं अपन पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती को मैं भी सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं भी वो एबिलिटी रखता था और मैंने कई चीजें कर रखी, इस मंच पे नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन उस वर्दी के अंदर जो एक डर, डरा हुआ शरीर, किसका डर? सत्ता का डर, सरकार का डर, कहीं ट्रांसफर नहीं थाई जाए। तो जो घटना हुआ, उस घटना को लेके हमारे दरियावत विधायक और भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता आज रेगुलर पांचवें दिन पे बैठे हुए हैं इनकी मांगों को लेके। वो जैसे छठा दिन हो गया। दूसरी तरफ भाजपा विशेषकर आदिवासी समुदाय के अंदर कुछ साइपर सेल टाइप लोग तैयार करते हैं, जो जनप्रतिनिधि भाजपा देखती है कि उठ तो उठ जाए, बैठ तो बैठ जाए, ऐसे कुछ लोगों को तैयार करती है 10-15 साल, उनको मानसिक रूप से डोज देके, और वो पूर्ण रूप से जब मानसिक विकलांग हो जाता है तो भाजपा टिकट देती है एमएलए एमपी का। तो उसी क्रम में उदयपुर लोकसभा सीट से मानसिक रूप से विकलांग, कई जने सोच रहे होंगे एमपी साहब क्या बोल रहे हैं, भाजपा क्या तैयार करती है कि हाँ ये बराबर मानसिक रूप से विकलांग, और मानसिक रूप से विकलांग क्या वो पहले बता देता हूं फिर समझ में आएगा। जिसका दिमाग सही गलत को नहीं पहचाने, जिसके अंदर सोचने और समझने की शक्ति नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? मानसिक विकलांग। ये मेरा हाथ है, सही सलामत काम कर रहा है, जोड़ने का भी करता है, छोड़ने का भी करता है, तो विकलांग थोड़ी है हाथ, तो ये हाथ विकलांग नहीं है। और ये हाथ काम करना बंद कर दे तो इसको क्या कहेंगे? हाथ से विकलांग है, ये बोलेंगे कि अब हाथ, हमारे लोग कहते हैं हाथ से विकलांग है, कान से विकलांग है, पैर से विकलांग है, लेकिन भाजपा के लोगों ने अच्छा काम यह किया कि मानसिक रूप से विकलांग लोगों को तैयार करती है। अब समझ में आया मानसिक विकलांग क्या होता है? ये हाथ है, ये हाथ काम कर रहा है तो हाथ की विकलांग नहीं है, मतलब अपने देसी भाषा में हाथ में बांगो नहीं है। तो जिसका दिमाग सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है, जिसका दिमाग सही गलत क्या है वो फैसला नहीं कर पाता है, जिसका दिमाग मैं खुद कौन हूं, मैं किस समाज से आता हूं, मेरा डीएनए क्या है, वो सोचना बंद कर देता है, उसको मानसिक विकलांग कहा जाता है। मानसिक है उनको बीजेपी टिकट दी है, उनकी सीट के हमें हमारे बाद उदयपुर से मन्नालाल जी रावत को टिकट दिया और चुनाव जिताया भाजपा ने। समाज का, आदिवासी समाज के रिजर्व सीट से, तो उनके द्वारा एक बयान दिया गया
कि आदिवासियों के घर जलाओ जो अधूरे विकलांग थे उनको, भाजपा के कार्यकर्ता उनको क्या कहा कि बीएपी बाबरों के घर जलाओ, उनको लठ मारो। तो वो बोले साहब वो तो ज्यादा है हम कम हैं। इससे तो क्लियर होगा टेका तो है नहीं, लेकिन बात यह है कि आदिवासियों से आदिवासियों को लड़ाने की जो नीति है, जो नीति के तहत मानसिक रूप से विकलांग बनाया गया आदमी है उसके अंदर ऐसी सोच आई और उस सोच का परिणाम यह रहा कि दरियावद विधायक लसाड़िया के अंदर उनके साथ हादसा हुआ। दो बातें हो गई। तीसरी बात, अपना यह बैनर लगाए विश्व आदिवासी अधिकार दिवस, तो आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2007 के अंदर 17 सितंबर के लिए विश्व आदिवासी अधिकार दिवस घोषित किया गया। तीन चीजें हो गई, एक मानसिक विकलांग के द्वारा, सेकंड उसके अंध विकलांग कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे विधायक पे आक्रमण, और तीसरा चीज है हमारे अधिकार दिवस। अब मैं मेरी बात शुरू करूंगा, अभी तक बात शुरू नहीं की थी। हकीकत क्या है, हम इकट्ठा क्यों हुए हैं, क्या मुद्दा है, वो मैं बताना चाह रहा था आपको। अब ये मंच पे हमारे विराजमान महापुरुष है, टाटा मामा से लगा के कालीबाई कलासुआ, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, राणा पूजा, भीमराव अंबेडकर, ये महापुरुष है। ये महापुरुष नहीं होते तो शायद ये देश आजाद नहीं हुआ होता, और ये देश आजाद नहीं हुआ होता तो संविधान नहीं बना होता, और संविधान नहीं बना होता तो हमको अधिकार नहीं मिलते संविधान के अंदर। कहां? संविधान के अंदर। अधिकार अभी तक कहां है? संविधान के अंदर है, धरातल पे नहीं है। विश्व आदिवासी दिवस इसलिए ही घोषित किया गया कि संविधान के अंदर आदिवासियों को अधिकार दिया गया है, लेकिन वो अधिकार का लाभ आम आदिवासी को नहीं मिल रहा है। इसलिए आदिवासी समुदाय अपने अधिकारों के प्रति, अपने हक के प्रति जागरूक हो, ये चिंता की विश्व यूएनओ ने, इसलिए अधिकार दिवस घोषित किया गया। अब अधिकार क्या है? देश में सबसे बड़ा अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र होके अपनी आवाज अभिव्यक्ति करने का सबसे बड़ा अधिकार है। कौन सा अधिकार है सबसे बड़ा? अपनी भावना के अनुरूप अपनी बात रखने का अधिकार है। इसमें यह जरूर ध्यान रखना है कि किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे। तो मेरा अधिकार है कि जो मानसिक विकलांग है उसको मानसिक विकलांग कहना मेरा अधिकार है, पर इससे किसी को ठेस पहुंचती नहीं है। आदिवासियों को अधिकार दे रखा है। आरक्षण के मामले में आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व जाए लोकसभा और विधानसभा के अंदर, ताकि आदिवासियों की जो समस्या है, आदिवासियों के जो अधिकार है संविधान के अंदर, उसको धरातल पे लागू करें। इस उद्देश्य से हमको राजनीति में आरक्षण मिला हुआ है, वो अधिकार है हमारा। इसीलिए राजकुमार रोज सांसद बन के गया, और इसीलिए यहां से मन्ना लाल जी सांसद बन के गए। लेकिन फर्क है, यहां मैं मानसिक विकलांग नहीं हूं, उधर मानसिक विकलांग है। और मानसिक विकलांग उसे कहा जाता है जो सही गलत का फैसला नहीं कर पाए। अपन कहते हैं कि जंगल को वो काटता है, जंगल की एक लकड़ी कुल्हाड़ी के अंदर घुसती है और कुल्हाड़ी के अंदर घुस के पूरे जंगल का सत्यानाश कर देती है। तो जंगल अगर वो लकड़ी कुल्हाड़ी में नहीं घुसेगी तो वो जंगल नहीं कटेगा। लेकिन यहां पर तो आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट लगा के
मंगालाल जी एमपी बने, लेकिन वो कुल्हाड़ी से ज्यादा खुद और हत्ते से ज्यादा कुल्हाड़ी बनने का काम करके पूरे हमारे समाज को जलाने की बात कर रहे हैं आज जी। मीडिया, पत्रकार कितना उछलते हैं, छोटी सी बात हो जाती है उछलते हैं, लेकिन एक सांसद कह रहा है कि आदिवासियों के घर जलाएंगे, जो भाजपा के साथ नहीं है उनके घर जलाएंगे, ये मन्नालाल जी रावत बोल रहे हैं, लेकिन मीडिया उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। और भाई साहब जब भी ये बात आती है, अधिकार की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, बेरोजगारों की बात आती है, जल जंगल जमीन की बात आती है, वो सीधे आ जाते हैं धर्म पे, धर्म खतरे में आते कि नहीं आते, क्योंकि वो मानसिक गुलामी की प्रथम पाठशाला वो है। समझ में आया, मानसिक गुलामी की प्रथम पाठशाला वो है। हम हर धर्म का सम्मान करेंगे, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो धर्म उच्च नीच सिखाता है, जो धर्म इंसान से इंसान को नफरत करना सिखाता है, जो धर्म एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलता है, वो धर्म नहीं है, वो धंधा है, धंधा राजनीतिक करने का। इसीलिए आज देश लेवल पे ये माहौल बनाया गया है। साथियों बातें बहुत सारी हैं, मैं एक क्रमबद्ध कुछ बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये कि भाजपा के नेता को यह एहसास कराना है कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। तुम दिमाग से विकलांग हो, हम दिमाग से विकलांग नहीं, और तुम आदिवासियों के घर जलाने की बात कर रहे हो, लेकिन समय आएगा, लोकतंत्र का त्योहार आएगा, उस दिन तुम्हारा रगड़ा निकाल देंगे। आप तो ठीक है, लेकिन फिर हिल ये उड़ी जाएगा। सेकंड चीज, दरियावद विधायक जी के साथ अत्याचार हुआ, पुलिस प्रशासन ने 70% अपना काम किया, धन्यवाद देना चाहेंगे, लेकिन एक कर्मचारी जो जब्बा पाजामा पहन के नारे लगा रहा है नेता बनने के शौक से, भाई मैं चैलेंज करता हूं, आ जा किसी भी ग्राउंड के मैदान में, तेरे को वार पंचर लायक नहीं छोड़ेंगे हम लोग। वो टीचर तो बन गया है, वो टीचर तो बन गया है, उसने कपड़े भी पहन लिए हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से विकलांग है। क्या है? विकलांग। उसको राजनीतिक का भूत है, उसको यह नहीं पता कि मुझे समाज का सर्टिफिकेट लगा के टीचर बड़ा हो, उस समाज के अधिकारों का हनन तो हो रहा है और वो हनन भाजपा कर रही है, उसको यह पता नहीं हनन कर रहे कि नहीं कर रहे। एट्रोसिटी एक्ट खत्म करने का काम किया 2018 में उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, आज कैटेगरी में कैटेगरी करके ताकि आदिवासी आदिवासी से लड़ाए, किया कि नहीं किया। मैं कल कहीं पढ़ रहा था, इस आदिवासी कौम को अगर टकराना है या आदिवासी को कमजोर करना है तो वो कोई कह रहे थे कि ये कौम को आपस में लड़ाओ तो कमजोर हो सकती है, बाकी ऐसे कमजोर नहीं हो सकती। आज वही कर रहे हैं, धर्म के नाम से हमको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टियों के नाम से लड़ाने की कोशिश करते हैं। मैं मन्नालाल जी को कहना चाहूंगा, आप कह रहे हो कि बीएपी वाले दरियावद उधर लोगों को इकट्ठा करके जंगल में ले जा रहे हैं, बताओ जो लोग 50 साल से आधार कार्ड है, जिन लोगों का सॉरी 50 साल से उनका आइडेंटिटी कार्ड है, 5 साल से इनका आधार कार्ड बना हुआ है, 20 साल से राशन कार्ड बना हुआ है, 25-30 साल से वोटिंग कर रहे हैं, उन लोगों का कह रहा हूं, बाप पार्टी तो बनी है 10 सितंबर 2023 को बनी है, ये पार्टी बने 1 साल हुआ है, और जो आदिवासी 50 साल से वहां रह रहा है उस आदिवासी को खत्म करने का काम कर रहे हो। अब सलोम्बर वाला विचार करता वहीं, वो तो दरियावद के आदिवासियों वाली बात है, आपड़े हुए हैं। इस बात को लेकर एक बात बताना चाहूंगा, आपने सबने देसी मुर्गे देखे कि नहीं देखे, देसी कुकड़ा मुर्गे, जब वो हिसणियों आवे या नड़ो आवे या साफ आता है, सारे मुर्गे मजबूत इकट्ठे होके उसका सामना करते करते नहीं करते,
उस समाज मुर्गों में एकता बढ़ जाती है, क्योंकि वो देसी नस्ल है।